बांसबेड़िया का आज जो रैली निकला है सब जमीन बांसबेड़िया से सब मस्जिद के तरफ से जुम्माबाद, आज ये किस मकसद के तहत निकला है? ये आज हमारा हम लोगों का मकसद है कि NRC और CAB के ख़िलाफ़ जो है तमाम बांसबेड़िया के मिल्लत मुल्क मिल्लत के लोग जो है एक साथ होकर जो है एहतजाज कर रहे हैं कि हम लोग जो है NRC और CAB को बायकॉट करना चाहते हैं। और आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, इतना बड़ा बोर्ड, नो CAB NRC NPR माशाल्लाह इंडिया। हाँ इंडिया, ये मोदी का जितना भी काम हो रहा है सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। देश में इतनी महंगाई है, खाने का सामान इतना बढ़ चुका है, दाम इतना बढ़ चुका है, इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ से ध्यान हटाने के लिए जो मोदी और अमित शाह जो है ना लोगों को दूसरे ये में उलझा रहे हैं। एक बार किए CAA, एक बार किए CAB, उसके बाद से किए NRC, उसके बाद से फिर लाए NPR। ये NPR जो है ना उससे भी खतरनाक ये है। ये घर 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 सुमारी कराएंगे और लेंगे कि ये रिपोर्ट लेंगे कि कौन मुसलमान कितना में है, कौन दलित है, क्या है। ये सब इनकी भौताबाजी है और इनका अब चलने वाला नहीं है। हम लोग इनको चलने नहीं देंगे। पूरे हिंदुस्तान के पूरे नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इनके विरुद्ध में उतर गए हैं और इनकी बुलती अब बंद हो जाएगी। अब आस्ते आस्ते इनकी राजनीतिक भी खत्म हो जाएगी। आज सरजमीन बांसबेड़िया से जो इतने मजमे में रैली निकाला गया है NRC खिलाफ और NPR के खिलाफ, आपको इसमें क्या कहना है, आप जबकि एक मस्जिद का मौजिन साहब है? मोहतरम मजीद दोस्तों, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली पंजाबी सभी भाइयों से अपील है कि हम लोग NRC के विरुद्ध में आज हम रोड पर खड़े हैं, जुलूस निकाले हैं। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, ये तीनों मूर्ति ऐसे हैं, न ये देशभक्त हैं, न सियासी आदमी हैं, न ये देश के बारे में कुछ सोचते हैं। क्योंकि अगर देश हिंदू भाई समझते हैं कि ये हमारे धार्मिक आदमी है, धर्म का रहबर हैं, तो देखिए धार्मिक आदमी कहलाने के लिए भी कसौटी है। वेद में कहा गया है, धृति क्षमा दमो असत्यम सोचनी निग्रह निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधी दस्कम धर्म लक्षणम। जो धार्मिक आदमी कहलाता है उसमें 10 लक्षण पाया जाता है, नरेंद्र मोदी में एक लक्षण भी नहीं पाया जाता है, फिर भी हिंदू भाई समझते हैं कि ये धार्मिक आदमी है। और सभी आदमी समझते हैं कि देश ये सियासी आदमी है, देश को डेवलप करा रहे हैं, ये सियासी आदमी भी नहीं है। सियासी आदमी कहलाने के लिए भी कसौटी है। राजा राष्ट्र कीर्तन पापम राजा पुरोहित स्त्री पापम शिष पापम गुरुस्तवा। जिस राजा के राज में पाप कर्म होता है उस पाप कर्म का दोषी स्वयं राजा ही है। आज हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई आज देख रहे हैं इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है, और हमारे हिंदुस्तान डेवलप नहीं कर रहा है, लेकिन हर चीज में ये फेलियर है, हर चीज में ये फेलियर है। ये अपना ऐप छुपाने के लिए कभी NRC लेकर आते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं, कभी नोटबंदी लेकर आते हैं, ताकि लोगों का जेहन जो है इधर भटका दे। मोहतरम मजीद दोस्तों और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मैं अपील करता हूँ, आके आप लोग सावधान हो जाइए, हिंदुस्तान को किस गड्ढे में लेकर जा रहे हैं, और पूरा दुनिया में हम लोग शर्म की निगाह से नीचे किए हुए हैं। क्या हमारा जो प्रधानमंत्री आज इतना झूठा है, सब लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य खत्म करता हूं और आप लोग हम लोग को साथ दीजिए।